आज मैं बात करने वाला हूं डिप्रेशन अर्थात निराशा, इसको जल्दी ठीक कैसे करें, जल्दी कैसे पकड़ में लाए, जल्दी इलाज कैसे करें, घर में बैठे इलाज कैसे करें। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज प्रेशर वाली जिंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर है, काम का बोझ है, लाइफस्टाइल बहुत ही प्रेशर वाली हो गई है, काम में टारगेट्स बहुत है, बॉस का प्रेशर है, व्यापार धंधे में कंपटीशन है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बच्चों का एजुकेशन है उसके लिए बहुत खर्चा लगता है, खर्चीली लाइफस्टाइल हो चुकी है, तो इसमें स्ट्रेस आ रहा है। लोगों की निगेटिविटी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिव बन चुके लोग, निराशा आती जा रही है, कुछ फ़ायदा नहीं ऐसा लगता है, कितना दौड़ेंगे, दौड़ दौड़ के थक गए ऐसा लगता है लोगों को, कितना दौड़ना, कितना कमाना, कितना भागना। फिर आती है उदासीनता, अकेलापन, नाउम्मीदी, खालीपन, निराशा, कुछ करने का मन लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि खुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ और ख़त्म कर डालूँ। और लोग खुदकुशी करने में भी मतलब आगे पीछे नहीं देखते हैं, खुदकुशी के लिए अटेम्प्ट कर लेते, गोलियां खाएंगे, फांसी लगा लेंगे, कुछ जहर पी लेंगे, जला लेंगे, कुछ भी करेंगे। डिप्रेशन का बुरा असर जो है वो व्यापार के ऊपर पड़ता है, व्यापार कमज़ोर, नौकरी में बॉस की गालियां खाओ, निकाल देने का प्रॉब्लम नौकरी से क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, व्यवसाय तो उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। इसके लिए करें क्या? एक तो डिप्रेशन आने के बाद या डिप्रेशन आने के पहले भी आप यदि लाइफस्टाइल आपकी बदलती है, मैं जो बोलता हूँ अभी आपको 8 अलग अलग चीज़ें बताता हूँ वो करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। नंबर एक, आपका खान पान, फूड। जितना आप ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, बेकरी आइटम्स खाएंगे, मीठा खाएंगे, जितना ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। बैलेंस फूड रहना जरूरी है, नॉनवेज उतना ही खाओ जितना प्रोटीन की जरूरत है, उतने नॉनवेज खाओ खाना है तो, बाकी प्रोटीन्स के लिए आप पनीर खा सकते हैं, बाकी जितना सैलड ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते बहुत अच्छा है, ग्रेन्स। तो बैलेंस डाइट नंबर एक। नंबर दो, रेगुलर एक्सरसाइज, 40 मिनट की एक्सरसाइज, और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हाफ ना पड़े, दम लग जाए, ऐसी एक्सरसाइज फ्रेश एयर में। तो नंबर दो एक्सरसाइज, जिससे डोपामिन सिक्रीशन, एंडोर्फिन्स ज़्यादा सिक्रेट होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, डिप्रेशन निकल जाता है। नंबर तीन, मेडिटेशन। आप डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेरा अलग अलग वीडियोस है वो आप अपना सकते हैं, तो मेडिटेशन आप करते बहुत फ़ायदा हो सकता है, और मेडिटेशन में आप अपने साथ टाइम गुजार सकते हैं। नंबर चार, 6 से 8 घंटे की नींद। बहुत प्रेशर है और नींद नहीं आ रही है तो पहले नींद जाके ले लो, सब काम बंद कर दो, मोबाइल बंद, आराम करो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। नंबर पाँच, सोशल बनो, बाहर जाओ घर के, लोगों को मिलो, लोगों के साथ में चर्चा करो, हंसी मजाक करो, डिप्रेशन कम हो जाएगा। नंबर छः, आपके पसंदीदा काम करो जो आपको अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है, हो सकता है कोई फिल्म देखना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, डायरी लिखना, बच्चों के साथ में खेलना, तो वो करो, बहुत अच्छा लगेगा। नंबर सात, मेरा फेवरेट जो है वो है हिप्नोथेरेपी। आप हिप्नोसिस करते हैं, विजुअलाइजेशंस, मेरे अफर्मेशंस के काफ़ी वीडियोस है, अफर्मेशन देते अपने आप को, विजुअलाइजेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स फील आप करोगे। और यह सब करके फ़ायदा नहीं होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फिर 8वां पॉइंट है, दवाइयाँ। आप प्रोफेशनल हेल्प लो, दवाइयाँ लो। आज ऐसी दवाइयाँ, एंटी डिप्रेशंस मार्केट में उपलब्ध है जिससे आपको 7-8 दिन में फ़ायदा हो जाएगा। एंटी डिप्रेशंस है, नई नई एंटी डिप्रेशंस आई हुई है जिससे नींद भी नहीं आती, आदत भी नहीं लगती है। एंग्जियोलाइटिक्स दवाइयाँ हैं, सेडेटिव्स है, फिर ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो सुबह आप ले सकते हैं और नींद नहीं आएंगी दिन में, ऐसे सारा है। कुछ दवाई ऐसी है कि जिससे बहुत अधिक उत्तेजना आती है जल्दी और एक दो दिन में फ़ायदा हो जाता है, तो ऐसी एंटी डिप्रेशंस, एंग्जियोलाइटिक, एंटी एंग्जाइटी दवाई ले सकते हैं। यदि आपको OCD है तो एंटी थॉट्स मतलब एंटी ऑब्सेसिव दवाइयाँ आप ले सकते हैं। तो ये सब दवाइयाँ आप डॉक्टर की सलाह से ले लो, दवाइयाँ ज़्यादा दिन तक लेने की जरूरत नहीं है, दवाई के साइड इफेक्ट्स है, दवाई हमको होना ही नहीं ऐसा लोग बोलते हैं,
मगर दवाई से आपको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा, तुरंत फायदा हो जाएगा। और बाकी साइकोथेरेपी हिप्नोथेरेपी साथ साथ चालू करो, ताकि दवाई कम कम हो जाएंगी और साइकोथेरेपी ज़्यादा होकर आपका इलाज हो जाएगा। तो ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से मुक्ति मिलेगी। 1% लोगों को आज बार बार हाथ धोने की आदत लग रही है, बार बार स्वच्छता, स्पेशली कोविड के बाद में, तो वो ठीक होना जरूरी है। अदरवाइज सब लोग परेशान होते हैं, घर के लोग परेशान हैं, खुद परेशान हैं। एंटी ऑब्सेसिव और एंटी एंग्जाइटी दवाई से वो अच्छे हो जाते हैं, साइकोथेरेपी बेस्ट है। तो ये सब आप करते हैं तो फायदा हो जाएगा। आपको अच्छा लगा वीडियो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।